कांग्रेस इसके लिए मांग करती है कि न्यायिक हिरासत में हुई हत्या की जुडिशरी जांच होनी चाहिए। बात यहां पर अतीक या उनके भाई की नहीं है, बात यहां कानून की है। कानून ये कहता है कोई अपराधी हो या कोई शरीफ हो, अगर किसी मामले में फंसा है तो उसकी सजा कोर्ट तय करता है। चौराहे पर तो तालिबान में मारे जाते हैं लोग, ये तालिबानी हुकूमत नहीं चलेगी। ये बाबा साहब अंबेडकर ने दिए हुए संविधान से देश को चलाया और उसे संविधान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है और इसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर प्रदेश के अंदर लड़ाई लड़ रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की है इन तमाम मुद्दों को लेकर के की है, उन्होंने अपने लिए नहीं की है। अगर वो चाहते, जैसे लोग चाहते हैं कि वो नेता बनना चाहते, प्रधानमंत्री बनना चाहते, अगर प्रधानमंत्री बनना था तो 9 से 14 में कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने कहा जब जनता चाहेगी तब बनूंगा, मैं किसी के कहने पर नहीं बनूंगा। और आज 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं तो अपने लिए नहीं, देश की जनता के लिए, देश की आवाम के लिए। ये सारे मुद्दे हमारे हैं, इन मुद्दों को लेकर के हम आपके 96 आरक्षित विधानसभा के चुनाव के मैदान में हैं। हमारे प्रत्याशी अजय कुमार जी अच्छी फाइट देंगे और हम कह सकते हैं कि ये सीट हम जीत के आएंगे। देखिए सरकार में सारी चीजें निहित हैं, पुलिस प्रशासन भी सरकार में है, जितने भी और भी विभाग हैं वो सारे सरकार में निहित हैं। सरकार की जो मंशा होती है उसी तरीके का विभाग काम करते हैं। सरकार की मंशा है कि जितने भी भाजपा से हटके, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जितने भी भाजपा से हटके जिन्हें हम अपराधी कहते हैं उन्हें बीन बीन के ठोको, ये ठोको सरकार है। हत्या के बाद सत्ता पक्ष के मंत्रियों का बयान आया, तुरंत आ गया था, फिर उसको उन्होंने उस पर क्या कहना होगा? देखिए मंत्री हो या और कोई हो, जनमानस में जब कोई ऐसी बात हो जाती है उसको हर आदमी गलत कहता है। सबने यही कहा है, ठीक है वो अपराधी हैं, सब कुछ है, कोर्ट तय करेगी, फांसी पे लटकाना है कोर्ट का काम है। चौराहे पे गोली मारना ये इस हिंदुस्तान का इतिहास और हिंदुस्तान का कानून नहीं इजाजत देता है।